शिक्षक दिवस से एक दिन पहले पीएम मोदी ने आज दिल्ली के जनरल माणिकशॉ ऑडिटोरियम में करीब 800 बच्चों को संबोधित किया और तमाम बच्चों से सीधी बातें की। प्रधानमंत्री ने बच्चों को जीवन में शिक्षा और शिक्षक का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि मां बच्चे को जन्म देती है लेकिन शिक्षक बच्चों का जीवन बनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इंसान जितना समय परिवार के साथ बिताता है उससे कहीं ज्यादा शिक्षक के साथ बिताता है। ऐसे में किसी भी इंसान के जीवन में शिक्षक का विशेष महत्व होता है। शिक्षक कभी वृद्ध नहीं होता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने अंदर के शिक्षक को हमेशा बनाए रखा। पीएम मोदी ने डॉक्टर राधाकृष्णन को याद करने के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और योगदान को भी याद किया और कहा कि डॉक्टर कलाम भी एक महान शिक्षक की तरह थे। वो हमेशा नई नई प्रतिभाएं खोजते थे, बच्चों को देखते ही शिक्षा देते थे। पीएम मोदी ने कहा कि विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी शिक्षक के बीच आस्था और विश्वास के संबंध बहुत जरूरी हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी जीवन के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के बावजूद भी अपने भीतर के शिक्षक को उन्होंने अमर बनाए रखा था, उसे कभी मरने नहीं दिया। शिक्षक कभी उम्र से बंधा नहीं होता है, शिक्षक कभी रिटायर हो ही नहीं सकता है अगर वो सच्चा शिक्षक है तो। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जमाने में जीने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अभी अभी हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को तो निकट से हम लोगों ने देखा है। वे भी भारत के राष्ट्रपति थे और बच्चों को बहुत प्यार करते थे और यानी सचमुच में उनका वो पैशन था। उनको किसी ने पूछा था एक बार कि आप क्या चाहेंगे, लोग आपको कैसे याद रखें, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लोग मुझे अगर याद रखना है तो टीचर के रूप में याद रखें। जैसा एक कुम्हार मिट्टी का लौंदा लेकर के उसको संभालता भी है और शेप भी देता रहता है, एक हाथ से संभालता है दूसरे हाथ से शेप देता है, टीचर भी एक एक बालक के जीवन को संभालता है। आज शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी के मन में भी शिक्षक के प्रति वो भाव आवश्यक है और शिक्षक के लिए भी। ये और व्यवसाय जैसा व्यवसाय नहीं है, ये उससे कुछ प्लस वन है। हमारे छोटे छोटे बालकों में भी इतनी टैलेंट होती है, उनको अवसर मिलना चाहिए और देश रोबोट तैयार करना नहीं चाहता है। हम कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, हमें कितना ही ज्ञान इंजीनियरिंग का टेक्नोलॉजी का क्यों ना हो, लेकिन हमें रोबोट बनने से बचना है। हमारे भीतर संवेदनाएं हो, और ये कला साधना से आती है, कला के साक्षात्कार से आती है, कला के साथ सहजता से आती है। अब बिना कला के जीवन एक प्रकार से रोबोट सा बन जाता है।